नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दो कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी का एक और स्टेज प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन यह प्रोग्राम बिहार में नहीं बल्कि यूपी में होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बता दो कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी कपिल वस्तु महोत्सव में यूपी में जाने वाले हैं और यह जगह का नाम है सिद्धार्थ नगर, जहां BSA ग्राउंड पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। बता दूं कि 5 दिवसीय इस महोत्सव का आगाज 20 नवंबर से शुरू हुआ था और 24 नवंबर तक खत्म हो जाएंगी। आज 23 नवंबर है और हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी की शानदार स्टेज प्रोग्राम है, जहां रंगारंग कार्यक्रम में उनके फैंस को एक बार फिर ठुमके लगाने पर मजबूर करने वाले हैं। बता दूं कि शाम आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, साथ ही उन जगहों पे कई पंडाल और मंच भी लगाए गए हैं, जिसमें 30 से अधिक सरकारी विभागों से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं, तो वहीं 150 से अधिक स्टॉल व्यावसायिक हैं, जो कला नामक चावल की ब्रांडिंग के लिए सारे स्टॉल लगाए गए हैं। बता दूं कि ग्राउंड में कई तरफ मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए कई प्रकार के इंतज़ाम, जैसे कि झूले लगाए गए हैं, मेले की दुकानें भी लग गई हैं। महोत्सव में आने वाले लोगों का मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी किया जाएगा। पहले दिन महोत्सव में कई प्रकार के कार्यक्रम, साथ ही वॉलीबॉल मैच भी कराए गए, लेकिन अब वहीं 23 नवंबर की रात हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी अपने देसी अंदाज में देसी ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे। मंच पर कई कवि उत्सव भी किए गए, साथ ही कई प्रकार के डांस और प्रोग्राम भी किए गए, लेकिन 23 नवंबर की शाम बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी जाने वाले हैं और इस पूरे कार्यक्रम में हंगामा होने वाला है। हंगामा ऐसा कि उनके फैंस उनके गानों पे नाचते हुए नजर आने वाले हैं। तो जी हाँ, आप भी तैयार हो जाएं, आज ही रात 8 बजे हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी कपिल वस्तु महोत्सव में जाने वाले हैं और गोरखपुर के सिद्धार्थ नगर में बहुत बड़ा यह माहौल यानी कि एंटरटेनमेंट होने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको वहाँ की पल पल की अपडेट भी देंगे और बताएंगे कि आज कार्यक्रम कैसा रहा। नमस्कार।